नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बिहार में सरकार ने बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण और खरीद बिक्री को खत्म करने के लिए नई बालू नीति बनाई थी, जिसको लेकर आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बिहार में कई मजदूर बालू के कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन बालू के खनन बंद होने पर मजदूरों का पलायन जारी है, जिसको लेकर बिहार सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आरा के कोइलवर प्रखंड से बालू मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। बता दें कि बिहार में बालू उठाव नहीं होने के कारण राजमिस्त्री और बालू मजदूरों के समक्ष भुखमरी और पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन बिहार की सरकार गरीब मजदूरों की जिंदगी के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। वहीं मजदूरों का धैर्य अब खोता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अधिकतर मजदूर तो बालू उत्खनन बंद होते ही दूसरे प्रदेश का रुख भी कर चुके हैं। पाँच से छः महीना, सात महीना का है परेशानी, ये बंद ही रह रहा है। गरीब आदमी इस परेशानी से बहुत जूझ रहा है। ये परेशानी इतना है कि मान लीजिए गरीब आदमी के पेट नहीं भर रहा है, कहाँ कमाएगा? जो रोजगार था यही था बालू। गरीब आदमी का रोजगार जो था ये बालू ही था, और कोई रोजगार नहीं था। अब मान लीजिए कि एक घर में पाँच से छः परिवार है, वो कमा रहा है एक परिवार, तभी पाँच छः परिवार खा रहा है। कैसे रोजगार चलता होगा? कोई रोजगार नहीं है, और कन्हू से कर्ज महाजन खा रही है। वही तो बता रहे हैं, आज भुखमरी के लिए ना हमने बता रहा है कि जब आपको बीमारी होती है तो आप बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए थोड़ा समय लगता है, और ये आपके हित में है। आज इनको ढाल बना करके, इनसे आंदोलन करवा करके, और ये लोग भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं, ये कदापि नहीं होने देंगे। इसी के लिए हम लोग जमीन पर उतरे हैं, और हर जगह, कल छपरा में हमने सारे विषय को बताया है, आज आरा में बता रहे हैं, कल रोहतास में भी यही व्यवस्था रहेगी। बालू साइड चालू होता, भूख पिया से कहाँ हम रहे, घर द्वार छोड़ के जाइबे न करम। जहाँ काम मिले, जहाँ पर जाए, कमाए खाए, हम बाल बच्चा के न कपड़ा जुटा था, न खाना जुटा था, न पढ़ाई जुटा था। बताए बड़ा लोग तो अपन खात हवन, घर मैस करत हवन, हमने भूख ले पिया से मुता की कहूँ जाइबे करम घर द्वार छोड़ के। एहन लोग तो लोग यही आशीर्वाद बात, हमने जात नहीं कर, भूख ले पिया से मरम चाहे कुछ करम, क्या करिए। तो मजदूरों का पलायन बिहार से शुरू हो चुका है, लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो इस वक्त सख्त नहीं दिख रही है। ये एक बड़ी समस्या फिलहाल बिहार में सामने आ रही है, बालू के अवैध खनन को लेकर। बिहार में लगातार जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं, इसकी वजह से बिहार में जो बालू की नई नीति सरकार ने लाई थी उसके बाद कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं मजदूरों के समक्ष वो खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बिहार सरकार के बालू बंद करने से मजदूर परेशान हैं और लगातार पलायन कर रहे हैं। बालू संकट से जो मजदूर हैं वो परेशान हैं। तो ये कुछ तस्वीरें आरा की हैं, जहां पर मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। इसको लेकर बिहार में सियासत जो है वो भी चरम पर है इन दिनों, क्योंकि लगातार सरकार पर हमले कर रही है आरजेडी। बालू खनन बंद होने से मजदूरों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। आरा से कई मजदूर जो हैं वो दूसरे प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं, और जैसे ही बालू जो अवैध खनन पर रोक लगाने की सरकार की कोशिश थी,
वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुई और उसके बाद सरकार को अपना फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा। तो बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने की सरकार की कोशिश है और इसमें जो समस्याएं हैं उसमें वो कहीं ना कहीं आ रही हैं। तो बिहार में जो मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं। चलिए इस वक्त हम बात करें हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर बिहार में जो अवैध बालू के खनन होते थे उस पर रोक लगाने की सरकार की कोशिश थी और अब जो है मजदूर पलायन कर रहे हैं। सर हेलो जी जी मजदूर सर बिहार से पलायन कर रहे हैं। अब देखिए अगर जो मजदूर पलायन कर रहे हैं तो इसकी जानकारी तो हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि श्रम संसाधन विभाग के अंदर हमारे लोग हम भी गए और इस तरह की बात तो बिहार से काफी संख्या में श्रमिक राज्य है मजदूर बाहर आते जाते रहते हैं जी। कई बार रोजगार के लिए बाहर जाते हैं अलग अलग मजदूर जो यहाँ पर काम करने वाले आज हमारे मार्बल मिस्त्री हैं या बहुत सारे पेंटर हैं ग्रिल वाले हैं बालू से जुड़े श्रमिक मजदूर हैं ये सब आते और जाते रहते हैं। लेकिन उससे ये नहीं कि बालू बंद है बालू का तो अब सारा कार्य एक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है। नहीं काफी सारी ऐसी सर कई सारी ऐसी तस्वीरें और ऐसे बाइट हमारे पास आरा से आए जहां पर लोगों का ये साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से बालू पर रोक लगी है खनन पर रोक लगी उसके बाद उन्हें पलायन होने को मजबूर होना पड़ा है। देखिए अब ये तो हमारी जानकारी में अभी उपलब्ध नहीं हुई है और अगर इस तरह की मामला है कहीं भी आज तो बालू साइड के मजदूरों के लिए बालू से जुड़े मजदूरों के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय गंगवार साहब के साथ बैठ करके हम लोग इनका रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था बनवा रहे हैं इसीलिए ताकि हमको जानकारी भी मिल सके और हमारे मजदूर को जो एक दर्जन से ज्यादा योजना जन्म से मृत्यु तक का है कई योजनाएं उसका लाभ भी राज्य सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा मजदूरों के हित में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है तो उसका भी लाभ हम दे सके और इसी के लिए हमने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ हफ्ता भर के अंदर ही ये सारे काम पर हम लोग पहल शुरू किए हैं वहां से भी सिग्नल मिला है उसकी प्रक्रिया भी बहुत जल्द हम लोग तय करेंगे और जानकारी मिलेगी तो हम लोग देखेंगे बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। इस वक्त हमारे साथ सरोज यादव जी आरजेडी से विधायक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर सर कुछ मजदूरों के पलायन करने की खबरें आ रही हैं सर जब से बालू को लेकर के बिहार में हंगामा शुरू हुआ है। सर देखिए मैं बता देना चाहता हूँ बिहार की जनता भी सुन रही है जो राज्य सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी या इनके मंत्री इन लोगों से मजदूरों से कोई लगाव नहीं है मजदूरों से कोई हमदर्दी नहीं है ये लोगों को मजदूरों से कोई वास्तव में लगाव नहीं है। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जो सरकार के करीबी मंत्री हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण बाबू मैं उनके यहाँ एक दिन गया था मिलने के लिए और मैं जाकर के कहा कि प्रदेश के जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं इतने परेशान है कि रोटी के लिए लोग मोहताज हैं ऐसी स्थिति आ गई है बिहार में तो वो जानते हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक बात वो कहें बहुत मुझे लगा कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि विधायक जी ये बताइए क्या प्रदेश के मजदूर बिहार के मजदूर बालू खाते हैं। जिस सरकार को ये नहीं मालूम है कि मजदूर को हजारों हजारों लाखों लाख मजदूर का जीविका बालू से चलता है और बालू के वजह से बालू बंदी 6 माह से ऊपर से बालू बंद है
और जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, ज्यादातर आपको बता दें राजमिस्त्री और मजदूर या जो भी दुकान सीमेंट या छड़ के दुकान पे मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं, और माननीय मंत्री जी बोले कि इनको जानकारी नहीं है। ये सरकार मजदूर विरोधी है, ये सरकार ये कहते हैं कि बाहर अक्सर लोग पलायन करते हैं, तो क्या राज्य सरकार के पास रोजगारे नहीं है तो मजदूर कहाँ तो जाएंगे ही बाहर कमाने के लिए? ये सरकार तो देखती भी नहीं है कि मजदूर, क्या इस सरकार को या माननीय मुख्यमंत्री को सरकार बनाने में क्या मजदूर परिवार के लोगों का योगदान नहीं रहा? क्या मजदूर के लिए सरकार का ख्याल करना कर्तव्य नहीं बनता है? और माननीय मंत्री जी को पता भी नहीं है कि मजदूर पलायन कर रहे हैं और मजदूर की क्या स्थिति है? ये माननीय मंत्री जी हैं, स्थिति क्या है सरोज जी, स्थिति क्या है वो जरा सा इस वक्त हम अपने संवाददाता से जान लेते हैं। अटल हमारे संवाददाता आरा से जुड़े हुए हैं। अटल, किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, किस तरीके से वो पलायन करने को मजबूर हैं? देखिए, जिस तरह से मजदूर पलायन करने को मजबूर है, करीब 5-6 माह से बालू बंद है, बालू के माध्यम से उन लोगों का रोजी रोजगार चलता है, और जब रोजी रोजगार ही चौपट हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो फिर वो यहाँ रहने से भी कोई उनको उचित नहीं समझ में आ रहा था, जिसको लेकर के वो लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। हमने जब बालू मजदूरों से बात किया कि जिस तरह से बालू बंदी हो गया, इसके बाद आप लोगों का रोजी रोजगार कैसे चलता होगा, तो उन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो शुरू से लेकर के कई वर्षों से लेकर के बालू का काम करते रहे हैं, आज हम कहीं भी मजदूरी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हुए या कोई ऐसा रोजगार मेरा नहीं हुआ जिससे मैं अन्य जगह कोई और रोजगार कर सकूं, और रह गई बात जब हम लोगों ने जब दूसरा चारा सोचा कि क्यों ना हम दूसरा काम किया जाए, लेकिन या कोई चीज बेचूं कहीं जा करके रेलवे स्टेशन पर, कुछ ऐसा भी कोई रोजगार करूं अपना कोई रोजगार, क्योंकि जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है। और ऐसे में जब उन्होंने बालू का क्षेत्र चुना तो वहां भी समस्याएं आने लगी हैं पिछले 6 महीने से। संजय टाइगर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी, और साथ ही साथ यशवंत सिंह जी जो की सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। बहुत संजय टाइगर जी, अभी जो स्थिति है बिहार में बालू पे, भले ही सरकार ने अपना फैसला जो है वापस ले लिया हो नई खनन नीति के बारे में, लेकिन मजदूर अभी भी पलायन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि फिलहाल विभाग तक ये जानकारी नहीं पहुंची है। देखिए, मैं बता दूं, जो सरकार ने नई बालू नीति बनाई थी उसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट था। मकसद मजदूरों को परेशान करना नहीं था, मकसद निर्माण काम को रोकना नहीं था, मकसद ये था कि जो बालू माफिया अवैध खनन कर रहे थे, जाली चलान पे बालू की ढुलाई कर रहे थे, नियमों की अनदेखी करके 10-10 मीटर तक नीचे पोकलैंड जेसीबी से खुदाई कर रहे थे, उसके चलते कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई है और सरकार ने उसको महसूस किया, उसके दूर करने के उपाय हो रहे हैं। लेकिन जो लोग बालू माफिया, बालू मजदूरों के आड़ में बालू माफियाओं का राग अलाप रहे हैं, उनके मनसाबों को भी समझना पड़ेगा। देखिए, मैं कोइलवर में जो बालू मजदूरों की समस्या है, जब ये बालू की समस्या नहीं थी तो वहां बालू मजदूरों ने प्रदर्शन किया था, उग्र प्रदर्शन किया था, कई पोकलैंड और जेसीबी जलाए गए थे 3-4 साल पहले जब ये समस्या नहीं थी। उनका डिमांड ये था कि चूंकि पोकलैंड और जेसीबी से बालू का उठाव होता है इसलिए मजदूरों को काम नहीं मिलता है, मैनुअल कितने मजदूर वहां काम करते हैं, तो सवाल बालू मजदूरों की समस्या संजय जी प्रति सरकार संवेदनशील है, लेकिन बालू मजदूरों की आड़ में जो बालू माफिया जो कारनामे करना चाहते हैं, भले पुरानी नियमावली लागू हो गई है लेकिन सरकार बालू माफियाओं को नकेल कसेगी। संजय जी जरा सा सुन लीजिए, संजय जी अवैध उत्खनन नहीं करने दिया जाएगा, राजस्व का चोरी नहीं करने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा, और सरकार को इसमें सख्त होना भी चाहिए। संजय जी, लेकिन एक चीज, संजय जी एक चीज, बालू मजदूरों को, संजय जी जरा सा सुन लीजिए सर, बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर है। संजय जी, यही समस्या है, जरा सा सुन लीजिए सर, इसके आड़ में बालू माफिया है और पीछे से इस बात को हवा दे रहे हैं। संजय जी जरा सा सुन लीजिए सर, ये बात सही है कि जो सरकार की नीयत है उस पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, सवाल इस पे उठ रहे हैं कि सरकार की अच्छी नीयत के बावजूद जो मजदूर हैं वो परेशान हो रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है बस।
एक सवाल का उत्तर दीजिए, जब ये नई बालू नीति की समस्या नहीं थी, आज से 3-4 साल पहले कोइलवर में बालू मजदूरों ने पोकलेन और जेसीबी क्यों जलाया था, उग्र प्रदर्शन क्यों किया सर, था? बिल्कुल बालू माफिया सर, बालू बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है सर, लेकिन एक चीज, एक बालू का उठाव करते हैं सर, बिल्कुल आप सही हैं संजय जी, संजय जी गाड़ियां पक्की सड़क पे खड़ी होती है, सड़क खराब होते हैं, बालू मजदूरों के प्रति सरकार संवेदनशील है, उनको वैकल्पिक अवसर भी प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन चलिए वैकल्पिक व्यवस्था इसकी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान जो इंसान मजदूरी करता है, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है, उसके लिए कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प होने चाहिए। यशवंत जी, आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि बालू के खनन को लेकर के, अवैध खनन को लेकर के जिस तरीके से सरकार सख्त हुई, उसके बाद मजदूरों के सामने कहीं ना कहीं समस्या पैदा हुई, तो फिर आखिर इसका वैकल्पिक रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि अवैध काम भी नहीं होना है और मजदूरों को उनकी दो वक्त की रोटी भी मिले, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मजदूर लगे थे इस काम में, उन मजदूरों के द्वारा जो खनन कराया जा रहा था वो अवैध तरीके से हो रहा था, तो और इसमें जिसे फायदे हो रहे थे, जो लोग फायदा कमा रहे थे वो विशेष वर्ग के लोग थे, और जब किसी आप मजदूरों का दोहन करके और आप अपना आर्थिक मजबूती करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं दोनों तरफ नुकसान हो रहा था, एक तो कम पैसे में ये मजदूर काम कर रहे थे और दूसरे तरफ सरकार को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे थे। हमने कई बार इसके लिए पहले भी शिकायत की थी कि एक तो जो ट्रैक्टर या ट्रैक्टर चालक या फिर ट्रैक्टर ओनर या फिर गाड़ी वाले जो थे, उनसे ये लोग अवैध वसूली भी करते थे, जैसे कि अगर 100 CFT का कीमत 700 रुपए होना चाहिए था तो ये लोग 1400 रुपए 1500 रुपए ले रहे थे, ऊपर से और भी जमीन रैयती के नाम पे 500-700 रुपए का और अलग से एक एक 100 CFT ये लोग चार्ज करते थे। तो ऐसे में एक तरफ तो जो होना चाहिए था वो तो हुआ, लेकिन ये निश्चित रूप से जितने भी मजदूर थे जो इस काम में लगे हुए थे उनके सामने ये अभी समस्या खड़ा हो गया है कि वो अभी करेंगे क्या, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी एक वैकल्पिक, क्योंकि जो सरकार की मंशा थी उस पे कोई भी सवाल खड़े नहीं कर सकता है। सरोज जी, जिस तरीके से सरकार ने अवैध काम को रोकने की एक कोशिश की, इसमें विपक्ष का भी सहयोग चाहिए होता है। 2013 में ही सरकार ने टेंडर कराई, टेंडर करा करके जो ये लोग कह रहे हैं कथित तौर से बालू माफिया, तो यही सरकार टेंडर देने की काम की, और 5 साल के लिए क्यों टेंडर दिया गया जब बालू माफियाओं ने गलत तरीका से काम कर रहे थे, तो एक ही बार 5 साल का टेंडर देने का क्या उद्देश्य था, और उस समय सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की? आज 6 माह से मजदूर वर्ग के लोग, उसके पूरे परिवार परेशान है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, और आपसे बता देना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी अभी कहने का काम किए कि हमारी सरकार मजदूर के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मनरेगा से, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा, जो मजदूरों के लिए मनरेगा बनाया जाता है, मजदूर के लिए वो मनरेगा है, लेकिन जेसीबी से मिट्टी भरवाया जा रहा है, जेसीबी से काम कराया जा रहा है, और DDC और DM को सूचना देने के बाद भी, वो यहाँ तक कि थाना को भी सूचना देने के बाद थाना ही उस जो मुखिया के लोग थे जो मनरेगा का काम कराते थे भगाने का काम किया जाता है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो क्या सरकार ही तो उनको बढ़ावा दे रही है? सरकार के जो पदाधिकारी हैं वही तो बढ़ावा दे रहे हैं, और इतने दिनों से मजदूर वर्ग के लोग परेशान हैं, और क्या सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? तो सर, इसमें क्या सर, आपके आपकी पार्टी के अनुसार, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी और बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकले और वो सरकार तक संदेश आप पहुंचाएं। जो साझी सरकार आज चल रही है बिहार में, ये 2013 में ही टेंडर दिया गया था, 2013 से 17 सरोज जी, आप मेरा सवाल नहीं सुने, आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर, मेरा सवाल ये है कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, मुख्य विपक्षी पार्टी आप हैं, तो सरकार को कम से कम अब आईना दिखाने का काम आपको करना होगा कि जो मजदूर हैं उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा ना हो, अगर अवैध चीजें बंद हो रही हैं वो होनी चाहिए,
लेकिन उसके लिए मजदूरों के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। दल ने ईमानदारी पूर्वक गरीब के लिए, गरीब के हित में रोड पे आने का काम किया। हमारे दल के लोगों ने, हमारी पार्टी ने हमेशा गरीब के हित में, आप देखे होंगे कितना धरना प्रदर्शन किया गया, सदन में भी इसका हम लोग घोर विरोध करने का काम किए। लेकिन सरकार के मंत्री कहते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के मंत्री कहते हैं कि बालू मजदूर खाते हैं, इस तरह के माननीय मंत्री जी को कहना शोभनीय है क्या, या मुख्यमंत्री जी इस तरह की नीति, क्या अपने मंत्री को यही बात सिखाते हैं, ये बताइए हमको। मैं अभिषेक जी आपसे जानना चाहता हूँ, संजय जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, अन्यथा इसका जवाब हम संजय जी से लेते। यशवंत जी, हम जब भी ऐसे मुद्दे देखते हैं सियासत इस पे खूब हो जाता है, लेकिन मजदूर जो है वो अपने आप को हमेशा ठगा सा महसूस करता रह जाता है। जी जी, देखिए मैं इस विषय पे ये बताना चाहूंगा कि जो मजदूर है वो तो अपनी आर्थिक समस्याओं के हल के लिए सुबह से शाम तक काम करता है और दो रोटी अपना जुटाने के लिए कुछ पैसे एकत्र करता है ताकि वो अपना पेट भर सके। लेकिन वो अपने पेट भरने के चक्कर में जो दिन भर मजदूरी करता है उसका कुछ विशेष लोगों के द्वारा, विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा गलत फायदा जो उठाया जा रहा है। आप मान लीजिए कि कोई 200 रुपए का काम किया, आप उसको 250 रुपए दिए और उसके बदले में आपने 2000 रुपए का चुना लगा दिया सरकार का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मजदूरी जो उनको मिलने चाहिए थी, मजदूरों के सामने ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी हो गई है जिससे उनको परेशानी हो रही हो, लेकिन उसके चलते सरकार को एक तरफ नुकसान हो रहा था, दूसरे तरफ जो था कि उनका जो दोहन हो रहा था उसके विषय में असल चिंता किसे करनी चाहिए। जो भी है, जैसे भी विषय वस्तु आते हैं, मनरेगा की बात आ रही है, मनरेगा में जो भारत सरकार की ये नीति है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने पंचायत में लोग हैं उनको रोजगार गारंटी के तहत 170 दिन काम करने के लिए दिया जाता है और उसके बदले में उन्हें रोजी रोटी उपार्जन हेतु कुछ जो भी है उनको अर्थोपार्जन कराया जाता है। लेकिन विशेष यह है कि अगर सही तरीके से सिस्टम काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं तो उनको तो परेशानी होगी, समस्याएं होंगी, और वो समस्या फिलहाल बिहार के मजदूरों को इन दिनों हो रही है और इसका वैकल्पिक रास्ता निकालने की आवश्यकता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही साथ हमारे संवाददाता अटल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद यही होगी कि सरकार इस दिशा में पहल करे और मजदूर बिहार से पलायन न करें, उन्हें घर में ही रह करके काम मिले तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।